everyone, very good evening. Welcome to Agriculture Radar 24/7. Agriculture Radar 24/7 के official YouTube channel पर आप सभी students का मैं हिना नथानी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. तो बच्चों आज हम लोग UK SSC AGT UK SSC AAO के PYQs यानी कि previous year questions को आज हम solve करेंगे और देखेंगे इसमें किस type के questions आए थे, कहाँ से question ज़्यादा आए थे, कहाँ से question कम आए थे. तो चलिए guys जल्दी से start करते हैं हमारा आज का session. लेकिन इससे पहले आप सभी को करना एक छोटा सा काम, अगर आप लोग भी UK SSC AAO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एग्रीकल्चर अड्डा 24/7. एंड इसी के साथ साथ आप अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जिस मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, तो वेरी गुड इवनिंग कंचन, सुरेश, वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम इन द सेशन. तो चलिए गाइज जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. आपको एक एक करके आंसर करने हैं सारे क्वेश्चन के बच्चों. तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर भी एक साथ ही आ गया, डबल क्लिक हो गया शायद स्लाइड में. तो साइनोबैक्टीरिया इज आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया आर कंज्यूमर, साइनोबैक्टीरिया आर डिकम्पोजर, साइनोबैक्टीरिया आर प्रोड्यूसर और नन ऑफ द अबव. सो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर. तो बच्चों ये हमेशा क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, बिकॉज ब्लू ग्रीन एल्गा साइनोबैक्टीरिया आर द ब्लू ग्रीन एल्गा. साइनोबैक्टीरिया जनरली हमारे ब्लू ग्रीन एल्गाज होते हैं और ये ब्लू ग्रीन एल्गा का प्रोड्यूसर होते हैं, बिकॉज दीज कैन दीज हैव द पिगमेंट. इनके पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है. सो दीज आर एबल टू डू फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और जब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो दैट्स वाई दीज आर प्रोड्यूसर, इसलिए ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये है हमारा अगला क्वेश्चन, कार्बोरेटर इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ इंजन. कार्बोरेटर जनरली किस टाइप के इंजन में देखा जाता है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन एंड ऑल ऑफ द अबव. तो बच्चों जो कार्बोरेटर होता है बेसिकली इसे हम कौन से इंजन में देखते हैं, तो जनरली इसे हम देखते हैं पेट्रोल इंजन में. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज राइट. तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा. कार्बोरेटर जनरली किस में मिलता है, ये पेट्रोल इंजन में देखा जाता है. मैंने इसमें टोटल क्वेश्चन देखे तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के भी काफी अच्छे क्वेश्चन थे और एनिमल हस्बेंड्री और एग्रोनॉमी वगैरह के तो हैं ही, आप देख सकते हो. मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन पोटैटो, तो पोटैटो में इरिगेशन का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज कौन सा है. क्रिटिकल स्टेज क्या होता है गाइस, उसको बोलते हैं जब प्लांट अपनी ग्रोथ कर रहा होता है, एट दैट टाइम जनरली क्या होता है कभी कभी कि उसको अगर एक पर्टिकुलर टाइम जब वो ग्रोथ कर रहा है और उस पर्टिकुलर टाइम में अगर उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिला तो वो मर जाता है ना. तो बेसिकली उसको बोला जाता है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज. ठीक है, तो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है पोटैटो में, इट विल बी ग्रोथ फेज, वाइल फॉर्मिंग द ट्यूबर, वाइल फॉर्मिंग द स्टोलन एंड नन ऑफ द अबव. तो बच्चों इसमें राइट आंसर हो जाएगा वाइल फॉर्मिंग द ट्यूबर, जब वो ट्यूबर्स बना रहा होता है उस टाइम पे. ठीक है, तो जनरली उसे हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन, उसे हम जनरली क्रिटिकल स्टेट बोलते हैं. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं गाइस नेक्स्ट पर. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी. वाटर यूज एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज वेयर वाई इज अ यील्ड, ईटी इज एवेपोरेशन एंड ट्री इज ट्रांसपिरेशन. तो आपको बताना है कि वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होगी. बच्चों WUE वाटर यूज एफिशिएंसी आप पढ़ते हो ना, तो वाटर यूज एफिशिएंसी क्या हो गई, जब इसमें वाई इक्वल्स टू यील्ड है, ठीक है, ईटी है आपका इवेपोट्रांसपीरेशन और टी है आपका बेसिकली ट्रांसपीरेशन. तो यहाँ पर आपका WUE क्या होगा, तो बच्चों इसमें हो जाएगा वाई अपॉन ईटी. ठीक है, क्या हो जाएगा, वाई अपॉन ईटी. ये फॉर्मूला आप पढ़ते भी हो. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये है हमारा अगला क्वेश्चन, विच इंसेक्टिसाइड ट्रेड नेम इज सेल्फोस. सेल्फोस कौन से इंसेक्टिसाइड का ट्रेड नेम है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, अल्फा मार्टिन, कैल्शियम आर्सिनेट एंड कार्बिराइल. तो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर. यहाँ पर बच्चों राइट आंसर क्या होगा, कौन से इंसेक्टिसाइड का ट्रेड नेम सेल्फोस है. तो बच्चों यहाँ पर बेसिकली एल्यूमिनियम फॉस्फाइड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जनरली सेल्फोस. ठीक है, तो यही हमारा ट्रेड नेम होता है सेल्फोस के लिए. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. ये है हमारा अगला क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गा इज चीफली यूज्ड फॉर द बायो फर्टिलाइजर एज अ क्रॉप ऑफ. तो ये जनरली आप लोग पढ़ते भी हो, जो ब्लू ग्रीन एल्गा है बेसिकली इसको किस क्रॉप के बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में हम यूज करते हैं, ग्राम, वीट,
मस्टर्ड एंड पैडी. सो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर बेटा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा आपका पैडी. तो बेसिकली पैडी जो हमारी क्रॉप होती है उसमें जो हम ब्लू ग्रीन एल्गा को यूज करते हैं, तो दीज आर यूज फॉर द बायो फर्टिलाइजर. इनको क्या करा जाता है, पैडी में इनको बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करा जाता है. अब नेक्स्ट चलते हैं गुजिया वेविल. इसके बारे में आप लोगों ने एंटेमोलॉजी में बहुत पढ़ा होगा. तो बेसिकली ये एक इंसेक्ट पेस्ट होता है वीट का, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे अटैक करता है. तो वो कौन सा टाइम होता है? जर्मिनेशन सीडलिंग यानी कि उनके जर्मिनेशन का टाइम होता है, टिलरिंग का टाइम होता है, सोइंग का टाइम होता है, या फिर स्टोरिंग का टाइम होता है. तो गाइज ये आपको राइट आंसर बताना है कि कौन से टाइम पे जनरली ये वीविल अटैक करती है, कौन सा टाइम होता है. तो बच्चों वो टाइम होता है जनरली हमारा जर्मिनेशन सीडलिंग, जो बेसिकली जब वो जर्मिनेट करती हैं सीडलिंग्स, तो उस टाइम पे जनरली क्या होता है, उस टाइम पे जनरली जर्मिनेशन के टाइम पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट होता है जो अटैक करता है. चलिए आगे चलते हैं. काउपॉक्स इज विच टाइप ऑफ डिजीज, काउपॉक्स बेसिकली किस टाइप का डिजीज होता है? तो बच्चों काउपॉक्स एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, या फिर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है. तो विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज काउपॉक्स, काउपॉक्स किस टाइप का इन्फेक्शन होता है बेटा? तो पॉक्स आप लोगों ने सुना होगा, पॉक्स वायरस सुनते हो ना, पॉक्स वायरस. तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, काउपॉक्स कैसा इन्फेक्शन हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा. ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री के काफी डिजीजेस देखे, इन्होंने डिजीज वाले पोर्शन को काफी अच्छे से फोकस किया था, और पोल्ट्री वाले पोर्शन में ब्रीड को काफी ज्यादा फोकस किया है. तो पोल्ट्री से इन्होंने जैसे व्हाइट लेगहॉर्न के बारे में पूछा था, ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगी, पर यहाँ पर मैंने ये देखा कि इन्होंने डिजीज को काफी ज्यादा एम्फसाइज किया था. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, तो माइटोटिक सेल डिवीजन में बेसिकली लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? मेटाफेज, एनाफेज, टेलर फेज एंड प्रोफेज. तो आप लोग देखते हो प्रोफेज में बहुत सारी प्रोसेस चलती है, राइट, प्रोफेज में बहुत सारी प्रोसेस चलती है. आप लोगों ने देखा होगा उसमें क्रोमोसोम्स जो हैं बेसिकली वो पहले लंबे होते हैं, एक फॉर्म में आते हैं, कंडेंस्ड होते हैं. ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस उसमें चलती है. तो इसमें बेसिकली प्रोफेज जो फेज हो जाएगा वो बेसिकली हमारा लॉन्गेस्ट फेज हो जाएगा, है ना. बिल्कुल कंचन सही बोला है आपने, डी विल बी राइट आंसर हियर. तो प्रोफेज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड सीरियल, अच्छा ये बताइए कि मैन मेड सीरियल किसको बोला जाता है? बार्ले को बोला जाता है, राइस को बोला जाता है, ट्रिटिकेल को बोला जाता है, या फिर वीट को बोला जाता है? तो गाइस यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ट्रिटिकेल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वीट और राई को मिलाकर के क्या बनता है, मैन मेड सीरियल यहां पर बनता है. ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ट्रिटिकेल. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा चीफ पॉल्यूटेंट ऑफ द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में चीफ पॉल्यूटेंट कौन सा होगा जो डे बाय डे ओजोन लेयर को डिप्लीट करता जा रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ये नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरोकार्बन हो जाएंगे, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, या फिर ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा. तो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए. तो बच्चों यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आप काफी ज्यादा देखते हो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो भी हमारी क्या है, मेन पॉल्यूटेंट है बेसिकली, है ना. क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है बेसिकली ये हमारे मेन पॉल्यूटेंट है. बिल्कुल सही कंचन, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. सिमियट इज, आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा इसके बारे में. तो सिमियट कहाँ पर है? CIMMYT, इट इज इन इंडिया. क्या ये इंडिया में है, या फिर ये आपका मैक्सिको में है, ये आपका स्पेन में है, कहाँ पर है ये आपका? तो गाइज ये जनरली सिमियट कहाँ पर है आपका, तो सिमियट है आपका मैक्सिको में. कहाँ पर है बच्चों? मैक्सिको में सिमियट लोकेटेड है. ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. हाँ बिल्कुल, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. ब्यूटिफुल गार्डन एंड ट्रीज इज रिटर्न बाई, तो जो ब्यूटीफुल गार्डन एंड ट्रीज है ये किसने लिखी है? ये आर.एन. सिंह ने लिखी है, या फिर एन.एस. रंधावा ने लिखी है, बी.पी. पॉल ने लिखी है, या फिर एम.एस. रंधावा ने लिखी है? तो गाइज आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करना है कि ब्यूटीफुल गार्डन एंड ट्रीज इट इज रिटर्न बाय, ये किसने लिखी थी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, एम.एस. रंधावा. एम.एस. रंधावा ने ब्यूटीफुल गार्डन एंड ट्रीज ये जो बुक है बेसिकली, इस बुक को उन्होंने लिखा था. क्लियर,
अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच क्रॉप रिलेटेड टू द ब्लाइंडनेस, कौन सी क्रॉप है जो ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बेसिकली क्यूलीफ्लावर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है या फिर ग्राउंडनट ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है, पैडी यहाँ पर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है या फिर वीट यहाँ पर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है। तो गाइज आपको सही आंसर बताना है यहाँ पर क्या होगा, कौन सी क्रॉप है। तो यहाँ पर बेसिकली क्यूलीफ्लावर हमारी ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है, कौन सी है, क्यूलीफ्लावर क्रॉप जो होगी ये ब्लाइंडनेस से रिलेटेड क्रॉप होगी, ठीक है। और क्यूलीफ्लावर को हम किस में काउंट करते हैं, कोल क्रॉप में काउंट करते हैं, आप लोग पढ़ते भी हैं उसको, तो इन क्रॉप्स को कोल क्रॉप में काउंट करा जाता है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पार्थिनोजेनेसिस इज कॉमन इन, पार्थिनोजेनेसिस कहाँ पर बिल्कुल कॉमन है, सिट्रस में, मैंगो में, ग्रेप्स में या फिर लीची में। तो किस टाइप के फ्रूट में हम पार्थिनोजेनेसिस बहुत कॉमनली देखते हैं बताइए, कई सिट्रस में बहुत ज़्यादा देखते हैं, ग्रेप्स में देखते हैं, मैंगो में देखेंगे या फिर लीची में देखेंगे। तो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो बेटा ग्रेप्स में पार्थिनोजेनेसिस हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, हॉर्टिकल्चर में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ते भी हो। तो बेसिकली पार्थिनोजेनेसिस किस में कॉमन होती है, ग्रेप्स में बहुत ही कॉमन होती है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोथा ग्रास बिलोंग्स टू द फैमिली, मोथा ग्रास होती है लेकिन ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है ये आपको बताना है, साइप्रेसी, क्रूसीफेरी, ग्रामिनी और ग्रामिनेसी एंड टिलिएसी। तो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर बेटा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। कंचन बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताएंगे बेटा कि मोथा ग्रास इज रिलेटेड टू, मोथा ग्रास किससे रिलेटेड है। और दूसरा बेटा आपको सेशन को लाइक भी करते रहना साथ साथ, ठीक है, आप साथ साथ सेशन को लाइक भी करते रहोगे, ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ओके। तो हाँ बिल्कुल कंचन, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साइप्रेसी, ठीक है, साइप्रेसी। तो मोथा ग्रास जो है बेसिकली इट बिलोंग्स टू साइप्रेसी। जनरली आप ग्रासेस की देखोगे तो पोएसी फैमिली होती है, ठीक है, और ये आपकी आती है साइप्रेसी फैमिली में। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। फॉर केमिकल मेथड ऑफ डिहॉर्निंग, आप लोगों ने देखा होगा एक पर्टिकुलर एज के बाद एनिमल्स में डिहॉर्निंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उनमें डिहॉर्निंग के काफ़ी सारे मेथड होते हैं, जैसे कई को सॉ से कट किया जाता है, कई को इलेक्ट्रिक वायर्स यूज़ करके कट करा जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल मेथड्स भी यूज़ करे जाते हैं। तो इनमें जब केमिकल से डिहॉर्निंग करी जाती है तो कौन सा केमिकल यूज़ करा जाता है, HCl यूज़ करा जाता है, CaOH2 यूज़ करा जाता है, NaOH2 यूज़ करा जाता है या फिर MgOH2 यूज़ करा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा ऐसा केमिकल है जो डिहॉर्निंग के लिए यूज़ करा जाता है। हाँ जी, हेलो अरुण जी, वेलकम इन द सेशन। कंचन का आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी, देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर NaOH2 हम यहाँ पर यूज करते हैं बेसिकली, यस वंडरफुल अरित्रा, यस बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। तो NaOH2 बेसिकली जो केमिकल हम यहाँ पर यूज करते हैं दैट इज NaOH2 फॉर डिहॉर्निंग। आगे चलते हैं, विच ब्रीड ऑफ गोट इज फेमस, कौन सी गोट की ब्रीड ऐसी है जो काफी ज्यादा फेमस है, इट इज बाखरवाल, इट इज मेहसाना, इट इज सूरती और इट इज जमुना। आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि गोट की कौन सी ब्रीड है जो फेमस है, बताइए गाइस व्हाट विल बी राइट आंसर हियर। तो गोट की हमारी लॉन्ग लेग्ड ब्यूटीफुल ब्लैक कलर्ड पैरट माउथ वाली ब्रीड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जमुना पारी। तो ये ब्रीड जो है हमारी मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टॉल ब्रीड, जिसका पैरट शेप माउथ होता है, पैरट माउथ होता है, रोमन नोज होती है एंड इसी के साथ साथ पेंडुलस ईयर्स होते हैं, जो यूपी की ब्रीड है बच्चों, ये हमारी जमुना पारी है। वेरी गुड इवनिंग अरित्रा, वेलकम इन द सेशन। सो बेसिकली ये हमारी जमुना पारी ब्रीड होती है। सूरती ब्रीड बेसिकली हमारी सूरत की है, मेहसाना ब्रीड मेहसाना की, और बाखरवाल ब्रीड हमारी हिमालयन रीजन की है। सो जमुना पारी इज राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलेरिस माइनर इज वीड मोस्टली ग्रो विद, तो फेलेरिस माइनर जो है बेसिकली ये हमारा एक वीड होता है जिसको किसके साथ में ग्रो किया जाता है, वीट, पैडी, पोटैटो एंड शुगर केन। व्हाट विल बी राइट आंसर हियर, यस रोमन नोज पैरट लाइक ब्यूटीफुल, यस। चलो अब बताओ मिस्टर आरम का आंसर आया है डी, यस बिल्कुल बिल्कुल, जमुनापुर और यमुना रिवर के नाम पर ही इसका नाम रखा है जमुना पारी, ओके। इसका लैक्टेशन सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है, ये क्वेश्चन एक बार आप लोगों से IBPS में भी पूछा गया है, ओके। तो कंचन इज सेइंग ए इज़ राइट आंसर, बिल्कुल सही, ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको वीट का मामा भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि बिल्कुल वीट के जैसा दिखाई देता है ये, ठीक है, मामा भांजे के जैसे दिखाई देते हैं काइंड ऑफ, इसलिए इसको वीट का मामा भी बोला जाता है, क्योंकि फेलेरिस माइनर
जो एक वीड है बेसिकली, ये बिल्कुल वीट के जैसा ही दिखाई देता है. क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर कल्टीवेटर शोवल. तो बेसिकली कल्टीवेटर शोवल को मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पर कौन से मटेरियल का यूज करा जाता है? चिल्ड कास्ट आयरन, गन मेटल, माइल्ड स्टील एंड ब्रास. सो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर बेटा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए. सो कौन सा मटेरियल यहाँ पर हम यूज करते हैं? तो यहाँ पर हम यूज करते हैं बेसिकली आपका चिल्ड कास्ट आयरन. चिल्ड कास्ट आयरन जो है बेसिकली इसको यूज करा जाता है टू मैन्युफैक्चर कल्टीवेटेड शोवल. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन राइस इज रिच इन. तो गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा क्या होता है? इसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है, विटामिन बी सबसे ज्यादा होता है, विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है, या फिर विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है. तो आपको यहाँ पर राइट आंसर चूज करना है कि गोल्डन राइस में कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा होता है. तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए. राइट, तो बेसिकली अगर हम गोल्डन राइस की बात करें तो गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है. राइट, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, है ना. इट इज अ पॉइजन फाउंड इन. तो ये बेसिकली HCN जो एक पॉइजन होता है, ये पॉइजन किस में देखा, कौन सी क्रॉप में देखा जाता है? बरसीम में, पर्ल मिलेट में, सॉर्गम में, या फिर मेज में. तो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर बेटा? यहाँ पर आपको राइट आंसर चूज करना है कि राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर. तो बेटा HCN बेसिकली आपको किस में देखने को मिलेगा? सॉर्गम में. ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है. तो सॉर्गम में जनरली आप HCN को देखते हो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. अगला क्वेश्चन है, फॉर C3 प्लांट ऑफ द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फोटोसिंथेसिस इज. तो C3 प्लांट के लिए जनरली हमारा एक प्रॉपर टेम्परेचर क्या होता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 टू 47 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो बच्चों C3 प्लांट्स के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या हो जाएगा? यस, राहुल गिरी, राधे, कंचन, अरुण, अरित्रा, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही बोला. सॉर्गम राइट आंसर होगा. ठीक है, नहीं अरुण आपका आंसर गलत है, सॉर्गम हो जाएगा बेटा. ठीक है, यस, तो मिस्टर आरम कह रहे हैं सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल 25 टू 30. तो C3 प्लांट के लिए वैसे तो अगर हम जनरली बात करें तो 20 टू 25 होता है जनरली, 20 टू 25 होता है जनरली. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है 15 की रेंज है जो बिल्कुल ही कम है. तो यहाँ पर 25 टू 30 ऑलमोस्ट ठीक है. वैसे नॉर्मली जो हम देखते हैं तो 20 टू 25 देखते हैं C3 प्लांट के लिए. ठीक है, बट यहाँ पर बेसिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20, यहाँ पर आपका आंसर 25 टू 30 होगा. लेकिन जनरली जो हम देखते हैं बेटा वो क्या है, 20 टू 25 है. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. अगला क्वेश्चन है, सम प्लांट्स रिलीज सम केमिकल्स विच अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर प्लांट. इट इज अ प्रोसेस नोन एज. तो बच्चों आपसे पूछ रहा है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी तो ग्रोथ बहुत अच्छी करते हैं लेकिन दूसरे प्लांट की ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं. तो ऐसे कौन से पैथोजन, ऐसे कौन से मतलब ऐसा कौन सा केमिकल वो रिलीज करते हैं? एलीलोपैथी बेसिकली, पीरियोडिसिटी, स्टर्डिटी एंड पार्थिनोकार्पी. तो बेसिकली ऐसा कौन सा प्रोसेस वो यूज करते हैं जिसमें वो कुछ ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं जिससे दूसरे प्लांट की ग्रोथ खत्म हो जाती है? C3C4. हाँ, C3 प्लांट्स के लिए, आई एम सेइंग अबाउट C3 प्लांट, ओके, नॉट अबाउट द C4 प्लांट, ओके. चलो आगे चलते हैं. ओके, सो कंचन इज सेइंग ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ओके, ठीक है, ठीक है, ओके. C4 प्लांट्स के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. तो बच्चों एलीलोपैथी हो जाएगा. आप लोगों ने देखा होगा जैसे चीर पाइन का नाम आप लोगों ने सुना होगा. ठीक है, चीर पाइन, तो चीर पाइन प्लांट भी देखा होगा आप लोगों ने, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. तो बेसिकली ये जो प्लांट है जिसको हम पाइनस रॉक्स बरगाई भी बोलते हैं, बहुत सारे हैं, पाइनस रॉक्स बरगाई है, पाइनस वॉलिचियाना है. ठीक है, तो बहुत सारे ब्लू पाइन, बहुत सारे पाइन्स होते हैं. तो ये पाइन जो है बेसिकली एक ऐसा प्लांट है जिसमें रेजिन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और ये क्या करता है, ऐसे केमिकल को सिक्रीट करता है कि जिसकी वजह से दूसरे प्लांट की जो ग्रोथ है वो काफी हद तक सप्रेस हो जाती है. तो अगर आप देखोगे तो इस प्लांट के आसपास आपको बाकी प्लांट्स बहुत कम दिखाई देंगे या फिर इसको यही प्लांट्स आपस में मतलब पाइन ही आपको वहां पर दिखाई देगा. एक तो इसका सीड्रेट भी अच्छा होता है, सीड भी काफी अच्छा होता है और ये कैसे भी कंडीशन में ग्रो कर लेता है. दूसरा ये एसिडिक होता है, इसकी लीव्स जो होती है बेसिकली वो एसिडिक होती है, एसिड कंटेंट को रिलीज करती है. ठीक है, जिसकी वजह
से वहां पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जो एनरिचमेंट होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो पाइन एक ऐसा प्लांट होता है जो, या फिर आप लोगों ने एक नया एक वीड भी सुना होगा, लेंटाना कमारा। तो लेंटाना कमारा जो वीड है ये भी बहुत ज्यादा एलिलोपैथी केमिकल को सिक्रीट करता है। चलो अगले में चलते हैं। द इंडिजिनस प्लॉ एस, इंडिजिनस प्लॉ कौन सा हो जाएगा? अ मल्टीपर्पज इम्प्लीमेंट, अ सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट, अ प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट एंड अ वेटलैंड पडलर। तो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर? बताइए बेटा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दो बेटा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। ठीक है यार, स्टर्डिटी मतलब होता है बहुत हार्ड कंडीशन, मतलब बहुत स्ट्रांग होता है जो, उसके लिए स्टर्ड बोला जाता है काइंड ऑफ। ठीक है ओके, सो कंटिन्यूसिंग सी इज राइट आंसर, बाकी बच्चे भी सी आंसर करें हैं। ओके यस, तो बिल्कुल प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट जनरली इंडिजिनस प्लॉक को बोला जाता है। अगले में चलते हैं। अ फेमस चौबटिया पेस्ट अ फंजासाइट, ये जनरली फंजासाइट होता है जिसको एप्पल ऑर्चर्ड्स में यूज करते हैं या पीच ऑर्चर्ड्स में यूज करते हैं। तो इसको जनरली कैसे प्रिपेयर करा जाता है? इसमें हम जनरली क्या करते हैं, कॉपर कार्बोनेट को मिक्स करते हैं और लिनोलिन में या लिंसिड ऑयल में। लेकिन इसके साथ साथ और हम इसमें क्या मिक्स करते हैं बताइए? कॉपर सल्फेट, लेट, अमोनियम कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड लाइम। तो हम इसमें क्या यूज करते हैं बताइए? हाँ बिफोर सोइंग, बिल्कुल। तो गाइज इसमें हम रेड लेड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रेड लेड हम यहाँ पर इसमें यूज करते हैं। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इमेच्योर लीफ ऑफ द प्लांट फॉल ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो बच्चों इमेच्योर लीफ जो है प्लांट की ये गिर जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम, जिंक, सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर? जैसे आप लोगों ने देखा होगा जनरली कि एनपीके की डेफिशिएंसी की वजह से ज्यादातर जो ओल्डर लीव्स हैं वो गिर जाती हैं, है ना, जो ओल्डर लीव्स हैं वो गिर जाती है। लेकिन इमेच्योर लीफ किसकी वजह से गिर जाती है? तो ये होगा ड्यू टू फॉस्फोरस। ठीक है, जिंक, बच्चों जिंक का दूसरा इम्पैक्ट होता है, यहाँ पर फॉस्फोरस राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इंट्रैक्टर पीटीओ स्टैंड फॉर, ट्रैक्टर में पीटीओ किसके लिए होता है? प्रेशर ट्रांसफर ऑर्डर, पावर टेक ऑफ, पावर टर्न ओवर एंड पावर टेक ओवर एंड पावर टर्न ओवर। बताइए बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ तो बिल्कुल बेटा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पावर टेक ऑफ। तो इन ट्रैक्टर में जो पीटीओ होता है इसका मतलब होता है पावर टर्न ओवर, क्या हो जाएगा, सॉरी पावर टेक ऑफ। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। द हार्मोन विच कंट्रोल फ्लावरिंग इज, जो हार्मोन बेसिकली फ्लावरिंग को कंट्रोल करता है वो कौन सा हार्मोन होता है? फ्लोरेसिन, जिबरलिन, IAA एंड काइनेस। व्हाट विल बी राइट आंसर हियर बेटा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। ओके यस पावर, हाँ बिल्कुल पावर टेक ऑफ। चलो अब आगे बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसको यहाँ पर फ्लावरिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज करा जाता है? तो बिल्कुल सही बेटा, यहाँ पर बेसिकली फ्लोरेसिन को यूज करा जाता है जनरली किसके लिए, फ्लावरिंग को कंट्रोल करने के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिक्लेम एसिडिक सॉइल, तो बच्चों आपको ये बताना है कि एसिडिक सॉइल को रिक्लेम करने के लिए किसको यूज करा जाता है? ठीक है, तो इसमें जिप्सम को यूज करा जाता है, इसमें जनरली पायराइट को यूज करा जाता है, काउडंग को यूज करा जाता है या फिर लाइम को यूज करा जाता है। तो एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए किसको यूज करा जाता है? तो बच्चों यहाँ पर यूज करा जाता है लाइम को। ठीक है, एसिडिक सॉइल में लाइम ऐड किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज हाईली टॉलरेंट टू एल्केनिटी, आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जो एल्केनिटी के लिए हाईली टॉलरेंट है? कोडो मिलेट, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट एंड पर्ल मिलेट। तो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए बताइए। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी फॉक्सटेल मिलेट। ठीक है, फॉक्सटेल मिलेट राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लैटराइट, ठीक है, लैटराइट सॉइल में सबसे ज्यादा क्या होता है? कोबाल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। तो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर बेटा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पर राइट आंसर बताइए
क्या होगा? अगर लैटराइट सॉइल है तो लैटराइट सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा मिलेगा? तो बच्चों लैटराइट सॉइल में जनरली आपको Fe यानी कि आयरन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आप इसका कलर भी देखोगे तो आपको हल्का सा रेड कलर दिखाई देगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अ न्यू अप्रोच टू इंटरप्रिटेटिंग द लीफ और प्लांट एनालिसिस। लीफ और प्लांट एनालिसिस के लिए कह रहा है विच आइडेंटिफाइड ऑल न्यूट्रिएंट फैक्टर लिमिटिंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड ब्यूफिल यूनिवर्सिटी एट नेटल साउथ अफ्रीका। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो एक न्यू अप्रोच है लीफ और प्लांट एनालिसिस के लिए, इसको ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट फैक्टर्स जो लिमिटिंग होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन को रोकते हैं बेसिकली, तो उसमें जो न्यू अप्रोच है ये बेसिकली कौन सा सिस्टम है ये आपको बताना है। प्लांट हेल्थ डायग्नोस्टिक सिस्टम इसको बोलते हैं, सॉयल हेल्थ डायग्नोस्टिक सिस्टम इसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, या फिर डायग्नोस्टिक और रिकमेंडेड सिस्टम इसको बोला जाता है। तो गाइस डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डायग्नोस्टिक एंड डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेड सिस्टम इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेज क्रॉप। मेज क्रॉप में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे बेटा? 40, 14, 20 and 25। सो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए बेटा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेज, मेज क्रॉप में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे बताइए? 40, 14, 20 या फिर 25। व्हाट विल बी राइट आंसर हियर? तो बेटा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। तो मेज क्रॉप में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 20। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द ड्राफ्ट ऑफ पुल बाय द ट्रैक्टर। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाता है टू मेजर द ड्राफ्ट ऑफ पुल बाय द ट्रैक्टर? वोल्टामीटर, डायनामोमीटर, एनीमोमीटर एंड स्पीडोमीटर। तो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर बेटा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डायनामोमीटर, ठीक है, डायनामोमीटर। आगे चलते हैं। जाइंट चिली इज अ रिच सोर्स ऑफ। तो बेटा जाइंट चिली किसका रिच सोर्स होता है? राइबोफ्लेविन का, विटामिन सी का, विटामिन ए का या फिर थायमिन का? व्हाट विल बी राइट आंसर हियर? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो बच्चों जाइंट चिली में बेसिकली थायमिन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, थायमिन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। सीड ड्रिल हाफ स्लिप इक्वल्स टू, सीड ड्रिल हाफ स्लिप इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव स्लिप, नेगेटिव स्लिप एंड नन ऑफ द अबव। सो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर? What will be right answer here? यहाँ पर right answer क्या होगा बेटा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका positive slip। क्या हो जाएगा? Positive slip आपका right answer हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले question पर। अगला question है बच्चों, in comparison to other soil, the availability of iron and manganese in acidic soil is। तो आपसे पूछ रहा है high होगी, unaffected होगी, minimum होगी या फिर low होगी? तो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर कि जो इन कंपैरिजन टू अदर सॉइल अगर हम देखें तो जो अवेलेबिलिटी होगी आयरन और मैग्नीज की वो एसिडिक सॉइल में कैसी होगी बताइए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव होगी। चलो अब इसका बताओ। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हाई, ठीक है। तो आयरन और मैग्नीज की जो अवेलेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द ग्रीन पोटैटो इज पॉइजनस ड्यू टू। तो बच्चों हरे रंग का जो आलू होता है वो पॉइजनस क्यों होता है? सोलेनिन की वजह से, फाइलोएलेक्सिन की वजह से, फाइटोएलेक्सिन की वजह से, ट्राइजन या फिर हार्मोन की वजह से? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी सोलानिन। क्या हो जाएगा? सोलानिन हो जाएगा। क्लियर। तो जो ग्रीन पोटैटो में बेसिकली जो ग्रीन पोटैटो जो पॉइजनस होता है वो सोलानिन की वजह से हो जाता है, हरे रंग वाला, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इन FYM, बिल्कुल सही, FYM में नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितनी होती है? 0.5, 4, 1.5 and 2.5। व्हाट विल बी राइट आंसर हियर? FYM में आपका NPK डाला जाता है तो इसमें नाइट्रोजन की अमाउंट कितनी होती है? तो बेटा इसमें नाइट्रोजन जनरली 0 से 1.5 तक यूज करा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम 1.5 को आंसर मान सकते हैं। वैसे जनरली 0.5 से 1.5 तक लगभग इसमें नाइट्रोजन यूज करा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है बाय इंड्यूसिंग स्ट्रोमेटल क्लोजिंग। आपने स्ट्रोमेटल क्लोजिंग को इंड्यूस किया किससे? PMA, फिनॉल मर्क्यूरिक एसिटेट से इन लो कॉन्सेंट्रेशन। तो बेसिकली किसकी तरह काम करेगा यहाँ पर? एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह, इंसेक्टिसाइड की तरह, नेमेटिसाइड की तरह या फिर टॉक्सिक?
तो बच्चों यहाँ पर ये कोई भी ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ना इंसेक्टिसाइड की तरह काम करेगा, ना ये नेमेटिसाइड की तरह काम करेगा, ना ही ये टॉक्सिक होगा। तो ये एंटी ट्रांसपेरेंट होता है बेसिकली, जो ट्रांसपिरेशन को रोक देता है और अल्टीमेटली स्टोमेटा की क्लोजिंग कर लेता है, जिससे बहुत ज़्यादा प्लांट से वाटर इवेपोरेट नहीं हो। ठीक है, अगले में चलते हैं बच्चों। तो FMD ये कह रहा है कि कौन सा रॉन्गली मैच है। ठीक है, कौन सा रॉन्गली मैच है यहाँ पर? FMD बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, रिंडरपेस्ट वायरल इन्फेक्शन है, रानीखेत वायरल इन्फेक्शन है और एंथ्रेक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो बच्चों साफ साफ पता चल रहा है FMD फुट एंड माउथ डिजीज, क्योंकि ये क्या है? वायरल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये वायरल इन्फेक्शन है, फुट एंड माउथ डिजीज। बहुत बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, है ना, जुनून क्लास में भी 2 बजे। तो बेसिकली रिंडरपेस्ट की बात करें बच्चों, तो ये एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन है। रानीखेत न्यूकैसल डिजीज की अगर हम बात करें तो ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। और एंथ्रेक्स की बात करें, स्प्लीनिक फीवर के नाम से इसको जाना जाता है, बैसिलस एंथ्रेसिस इसको कॉज करता है और ये एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्लियर, अगले में चलते हैं बच्चों। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर दी टू मेजर, अच्छा ये आई थिंक दो बार आ गया स्पीडोमीटर वाला। चलिए आगे चलते हैं। द वेट ऑफ द सॉइल वॉल्यूम, वेट ऑफ द सॉइल बाय वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल इंक्लूड द पोर्स इज फॉर्मूला फॉर मेजरिंग प्रैक्टिकल डेंसिटी, पोर्स डेंसिटी, बल्क डेंसिटी और सॉइल डेंसिटी। तो बच्चों ये फॉर्मूला जो है, वेट ऑफ सॉइल अपन वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल इंक्लूडिंग पोर्स, तो ये जो बेसिकली फॉर्मूला है ये किस चीज़ को मेजर करता है, ये आपको बताना है। क्या ये प्रैक्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है, या फिर ये पोर्स डेंसिटी को मेजर करता है, या फिर ये बल्क डेंसिटी को मेजर करता है, या सॉइल। मैम मैराथन क्लास करा दो एक पूरे एग्रीकल्चर की। शुभम शर्दाना, ओके बेटा, आप आज तो मॉर्निंग में नाबार्ड की एक मैराथन हुई थी, ठीक है, एग्रीकल्चर की मैराथन आपकी होती है जब एग्जाम्स वगैरह आते हैं, तो उस टाइम पे अब आपकी मैराथन्स होती रहेंगी, क्योंकि अब सारे एग्जाम्स जो है ऑलमोस्ट नवंबर में बहुत सारे एग्जाम है, जैसे UKSSC वाला एग्जाम भी है, यही वाला एग्जाम, अब बहुत सारे एग्जाम बहुत जल्दी जल्दी है, तो अब आपकी होती रहेगी, है ना। इसको बेटा बल्क डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका, विच इंसेक्ट अटैक ऑन द पैडी क्रॉप ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के टाइम पे कौन सा इंसेक्ट है जो बेसिकली अटैक करता है, ये आपको बताना है। राइस सिस्टम बोरर, गंधी बग, या फिर आपका एफिड्स होगा, या फिर आपका ब्राउन लीफ हॉपर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, पैडी क्रॉप में नाइट के टाइम पे तो गंदी बग अटैक करते हैं और बहुत बुरा स्मेल करते हैं, इसलिए इनके नाम को हम गंदी बग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गंदी मतलब गंदा, ठीक है, गंदी मतलब गंदा, और इनका स्मेल बहुत बुरा रिलीज होता है बेटा, बहुत बुरा स्मेल करते हैं ये जब भी आते हैं, और हमेशा नाइट में ही आते हैं, तो इनके लिए नाइट ट्रैप मेथड ही आप यूज करते हो, है ना। तो गंदी बग्स होते हैं बेटा ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले में आएगा आपका, फर्स्ट KVK जो एस्टैब्लिश किया था ये कौन सा, ये कहाँ पर किया था? हैदराबाद, बेंगलुरु, पौंडीचेरी या फिर मैसूर। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर पहला KVK कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, पौंडीचेरी में या फिर मैसूर में? तो बेटा पहला वाला पौंडीचेरी में एस्टैब्लिश किया गया था, पहला KVK कृषि विज्ञान केंद्र जिसको आप बोलते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला है, इन साल्टेशन प्रोसेस द सॉइल पार्टिकल मूव इन द सीरीज ऑफ बाउंसर और जंप हैविंग अ पार्टिकल साइज रेंजिंग फ्रॉम, तो इनका पार्टिकल साइज क्या होगा बेटा? तो बेसिकली 0.025 से 0.5 mm होगा, 0.025 से 0.5 mm होगा, 0.025 से 0.25 mm होगा, या फिर 0.05 से 0.5 mm होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बच्चों? साल्टेशन प्रोसेस में जो सॉइल पार्टिकल मूव करते हैं या जंप करते हैं, तो उनका पार्टिकल साइज कितना होता है? तो बेटा इनका पार्टिकल साइज होता है 0.05 से 0.5। बिल्कुल वंडर एरिथ्रा एंड दामिनी, बिल्कुल सही बोला है बेटा, नहीं सॉरी राहुल, हाँ 1974, बिल्कुल सही। अगले में चलते हैं, BT टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो बेटा BT टॉक्सिन को कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया करता है, वायरस करता है, फंगस करेगा या फिर एल्गा करेगा? What will be right answer here? बेटा BT टॉक्सिन को कौन प्रोड्यूस करता है यहाँ पर? तो BT टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? बुवेनिया बेरियाना, है ना, बुवेनिया भी जिसको हम बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले में। सो बेसिकली सॉरी बेसियाना, तो बेसिकली यहाँ पर कॉजेटिव एजेंट जो होगा अर्ली ब्लाइट डिजीज का पोटैटो में कौन हो जाएगा? फ्यूसेरियम, एल्बुको, स्टिलागो या फिर अल्टरनेरिया। कई बार बताया है आप लोगों को जुनून क्लास में ये भी, है ना। तो कॉजेटिव एजेंट ऑफ अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
अर्ली ब्लाइट का कॉजेटिव एजेंट क्या हो जाएगा बेटा? तो अर्ली ब्लाइट का कॉजेटिव एजेंट कौन सा हो जाएगा हमारा? अल्टरनेरिया अल्टरनाटा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? अल्टरनेरिया अल्टरनाटा। बताया ना कई बार, अर्ली ब्लाइट का इन्फेक्शन अल्टरनेरिया कॉज करता है, जबकि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो कि बहुत फेमस इन्फेक्शन है बच्चों, तो बेसिकली जो आपका बहुत फेमस इन्फेक्शन है जिसको हम बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसको फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस कॉज करता है, और जबकि अर्ली ब्लाइट के इन्फेक्शन को अल्टरनेरिया अल्टरनाटा कॉज करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। द टर्म वर्नलाइजेशन वॉज कॉइंड बाई, तो वर्नलाइजेशन जो एक टर्म है ये किसने दिया था? एलिसन ने, या फिर इसे गेस्नर ने लिया था, या फिर इसको दिया था आपके या फिर चालंकिया ने दिया था? किसने दिया था बच्चों? आई थिंक यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं आया है। चलिए अभी इसका बता दीजिए आप लोग मुझे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें बेसिकली ये टर्म किसने दिया है वर्नलाइजेशन का? ये टी डी लायंस को आएगा, एक्चुअली टी डी लायंस को आएगा, यहाँ पर आएगा टी डॉट डी डॉट लायंस को। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। सॉरी वो आई थिंक रह गया। हाँ तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी, सॉरी वो एक्चुअली टी करके आके रह गया ना, तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी। देखिए आपसे पूछ रहा है कि वर्नलाइजेशन के लिए क्या होगा, है ना? तो वर्नलाइजेशन के लिए बच्चों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी टी डी लायंस को, टी डी लायंस को। ठीक है, हाँ टी डी लायंस को, बिल्कुल जो बच्चे टी डी लायंस को कह रहे हैं उनका आंसर सही है, चालक्यान नहीं होगा। ठीक है, टी डी लायंस को होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक मिनिमम इन द ट्रांसमिशन ऑफ पावर, तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो मिनिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर लेता है? गियर, स्पोक्ड व्हील एंड चेन, पुलिस एंड बेल्ट एंड नन ऑफ द अबव। सो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर बेटा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन या ट्रांसमिशन ऑफ मिनिमम ट्रांसमिशन बेसिकली कौन लेता है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। लायंस को ओके, यस यस यस। ठीक है चलो, सो राइट आंसर विल बी गियर्स बेटा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गियर्स। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट बी यूज फॉर द सोइंग सीड इन लाइन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं लाइन में सीड सोइंग के लिए? मैस्टोन प्लाउ, वावा कल्टिवेटर, हैरो या फिर स्क्रैपर? तो राइट आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पर, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर हम वावा कल्टीवेटर को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी वावा कल्टीवेटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा फादर ऑफ एग्रोनॉमी वर्स, तो एग्रोनॉमी के फादर कौन है बच्चों? एंडरसन, नोमैस, पीटर डी क्रेंसी, पीटरसन या फिर हेंडरसियन डे? तो यहाँ पर आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएंगे आपके पीटर डी क्रेंसी, ये बेसिकली ही वॉज द फादर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। मीजर टेकन टू प्रिवेंट काउज फ्रॉम द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग देयर ओन मिल्क, तो बेसिकली इसको हम कैसे प्रिवेंट करते हैं? हॉल्टर से, नेक रेडलेट से, टेल होल्डर से या फिर नन ऑफ द अबव से? तो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो यहाँ पर हो जाएगा नेक रेडलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेक रेडलर विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा हार्वेस्ट इंडेक्स ऑफ पिजन पी, तो पिजन पी का हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना होता है बेटा? हार्वेस्टिंग इंडेक्स ऑफ पिजन पी, तो पिजन पी का हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना हो जाएगा बताइए? हार्वेस्टिंग इंडेक्स ऑफ पिजन पी, तो बेटा हार्वेस्टिंग इंडेक्स ऑफ पिजन पी कितना होगा? दैट विल बी 19%। ठीक है, ये सारा परसेंट में होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सीड सैंपल सर्टिफिकेट कलर इन, तो बेसिकली जो सीड सैंपल का कलर, सर्टिफिकेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ऑरेंज, ब्लू, पर्पल एंड व्हाइट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ब्लू हो जाएगा। सीड सैंपल सर्टिफिकेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। अगले में द रीजन ऑफ स्मेल इन गार्लिक, गार्लिक में जो एक स्मेल आती है वो उसका रीजन क्या है? एलिसन या फिर उसका है सिनर्जिन, ऑक्सलेट या फिर कैप्सिसिन? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बच्चों? हाँ, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी एलिसन। ठीक है, आगे चलते हैं। ओहो, ये वर्नलाइजेशन वाला दो बार आ गया टी डी लायंस को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
ओ सॉरी बोल्टिंग, ओके तो द क्रॉप इज रिलेटेड टू बोल्टिंग, दो बार क्लिक हो गया। तो बच्चों ओनियन में जनरली बोल्टिंग होती है, ठीक है। सो बेसिकली द क्रॉप इज रिलेटेड टू बोल्टिंग, दैट इज ऑनियन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ पाइराइट, पाइराइट का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? CaCO3, FeS2, Na2SO4 या फिर CaCO4। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी CaSO4, क्या हो सॉरी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा FeS2, क्या हो जाएगा बेटा FeS2। आयरन पाराइट सुना है, आयरन पाराइट सुना है ना, तो हाँ बिल्कुल यहाँ पर FeS2 हो जाएगा। द कॉम्पोनेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कॉम्पोनेंट क्या है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो कि आपसे IPM पूछ रहा है, पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर एंड ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर बेटा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। हाँ तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, है ना, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बोटानिकल नेम ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन का बोटानिकल नेम क्या है? कैजेनस कैजन होगा या फिर ओराइजा सटाइवा होगा या फिर जियामेज होगा या फिर ग्लाइसिन मैक्स। हाँ यस अरित्रा डेफिनेटली FeS2 इज राइट आंसर। ओके सो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा बच्चों, बोटानिकल नेम ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन का बोटानिकल नेम क्या है या फिर साइंटिफिक नेम क्या है? कैसेनस कैसेन होगा, ओराइजा सटाइवा होगा, जिया मेज होगा या फिर ग्लाइसिन मैक्स होगा। सो व्हाट विल बी राइट आंसर हियर बेटा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। यस तो ऑल द स्टूडेंट्स आर सेइंग डी इज राइट आंसर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है ट्रिटिका मैस्टिवम इज वीट, ट्रिटिका मैस्टिवम वीट इज हेक्साप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। तो व्हाट विल बी राइट आंसर, यहाँ पर हो जाएगा आपका हेक्साप्लॉइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, हेक्साप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और है बच्चों, मुझे कुछ क्वेश्चन आप लोग को और बताने थे जिसमें मैंशनड नहीं है। तो बेसिकली इसमें इन्होंने एक कुछ क्वेश्चन और पूछे हैं, लाइक आपसे पूछा है जैसे कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एग प्रोडक्शन ब्रीड, वर्ल्ड लार्जेस्ट एग प्रोडक्शन ब्रीड जो सबसे ज्यादा एग प्रोडक्शन करती है, तो कौन सी ब्रीड है बच्चों, ये है आपकी व्हाइट लेगहॉर्न, ठीक है। व्हाइट लेगहॉर्न इसके बारे में भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो बेसिकली व्हाइट लेगहॉर्न इज दैट ब्रीड विच इज एबल टू प्रोड्यूस हाइएस्ट अमाउंट ऑफ एग, जो सबसे ज्यादा एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है, व्हाइट लेगहॉर्न। लेकिन इसमें इन्होंने व्हाइट लेगहॉर्न ब्रीड जो है बेसिकली ये इटली की है, ठीक है, इटली की ब्रीड है जो सबसे ज्यादा एग प्रोडक्शन करती है। और इसका जो टोटल एग प्रोडक्शन है वो कितना है, 280 to 300 है, 280 to 300 है। और ये हमारी एग्जॉटिक ब्रीड है, यस डेफिनेटली डेफिनेटली। तो व्हाइट लेगहॉर्न जो ब्रीड है बेसिकली ये है सबसे ज्यादा एग प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि आपसे बिफोर द हार्वेस्टिंग, ठीक है, जो नेक्स्ट क्रॉप सोन करी जाती है बिफोर द हार्वेस्टिंग, बेसिकली द नेक्स्ट क्रॉप इज सोन्ड बिफोर द हार्वेस्टिंग द प्रिसीडिंग क्रॉप इज, तो जो प्रिसीडिंग क्रॉप है उसको क्या बोला जाता है, प्रिसीडिंग क्रॉप को क्या बोला जाता है? तो इसमें इंटेंसिव क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग और एसेंशियल क्रॉपिंग और नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग बहुत सारे दिए हुए थे। तो बेसिकली किसी भी क्रॉप को बाद में हार्वेस्ट करने से पहले हार्वेस्टिंग, ये बेसिकली किसी जो नेक्स्ट क्रॉप को सोन करा जाता है बिफोर दी हार्वेस्टिंग, तो जो प्रिसीडिंग क्रॉप है उसको रिले क्रॉपिंग बोला जाता है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उसको क्या बोला जाता है, रिले क्रॉपिंग बोला जाता है। ऐसी जो क्रॉप होती है बेसिकली दैट इज नोन एज रिले क्रॉपिंग, बिल्कुल सही बोला है बेटा शुभम। और कौन है, हाँ कंचन बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। अच्छा आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च आपसे पूछा गया था। तो बच्चों IISR कहाँ पर है ये आप लोग बताओगे, प्रयागराज में है या फिर ये आपका लखनऊ में है, वाराणसी में है या फिर कानपुर में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ये बताइए कि IISR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये कहाँ पर है बेटा। तो ये क्वेश्चन भी आपका इस एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि IISR आपका कहाँ पर है, बताइए बेटा IISR कहाँ पर है, कानपुर में है, अच्छा कोयम्बटूर में है, कोई बच्चा कह रहा है कोयम्बटूर में है, कोई बच्चा कह रहा है कानपुर में है, ओके। तो बेटा ये कहाँ पर हो जाएगा, ये बेसिकली आपका लखनऊ में है, कहाँ पर है बेटा, लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए थे एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ पोटैटो, ठीक है, जो बेसिकली जेनेटिकली ड्वार्फ पोटैटो है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपके पास कि इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ पोटैटो इज पॉसिबली बाय द एप्लीकेशन ऑफ,
तो किसमें उसके उसमें किस चीज का एप्लीकेशन करा जाता है, वाइटामिन इथाइलिन, जिबरलिन या फिर काइनेटिन। अब ये आप लोग मुझे आंसर करके बताओगे, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पर। ओके तो अभी के क्वेश्चन हमारे यहीं पर खत्म हो गए बेटा। इसमें कुछ और क्वेश्चन थे जो मैं आपको नेक्स्ट किसी भी सेशन में बता दूंगी, बट मेनली ये क्वेश्चन थे जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसमें आप ये थे कि 5-6 क्वेश्चन और हैं, वो मैं किसी भी दिन आपको सेशन में बता दूंगी, 5-6 क्वेश्चन। तो मेन यही क्वेश्चन थे जो आपके एग्जामिनेशन में आए हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से देख लिए होंगे, रिवाइज भी कर लिए होंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि अब आपको ये लग गया होगा कि पेपर का लेवल कैसा है, किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसमें मैंने एक चीज एनालाइज करी कि इन्होंने सारे ही पार्ट्स को लगभग एक जैसा कवर किया, मतलब किसी भी पार्ट को ऐसा नहीं किया कि किसी पार्ट को बहुत ज्यादा कर दिया और किसी पार्ट को कम कर दिया, नहीं, इन्होंने लगभग एक जैसा ही इंपॉर्टेंस हर एक क्वेश्चन को दिया है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हर एक पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर करना है। तो बच्चों अगर आप हर एक पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग, आप एक काम कर सकते हो, आप हमारे UK SSSA के बैच में एनरोल कर सकते हो। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, Adda247 की वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप Adda247 की वेबसाइट पर जाओगे, आपके पास ये लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। बच्चों जैसे ही ओपन होगा आप इस पर क्लिक करोगे, ऑल कोर्सेज पर जाओगे। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आपको एग्रीकल्चर यहां पर चूज करना है और बेटा यहां पर आपको उत्तराखंड एग्री एग्जाम्स मिल जाएगा। ये रहा उत्तराखंड एग्री एग्जाम्स करके मिल जाएगा। इसमें आपका कंप्लीट बैच है जिसमें आप ये देख सकते हो कि कितना डीप आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो बेटा सिंपली आपको बाइनाओ पर जाना है और बाइनाओ पे जाने के बाद आपको Y447 कूपन कोड लगा देना है। तो यहाँ पर 3,755 रुपए में आपको पूरा उत्तराखंड का बैच मिल जाएगा जहां पर आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। मैम मैं कुछ क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाए ड्यू टू द नेटवर्क इशू, कोई बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्लास आपकी यूट्यूब पर ही ये प्ले लिस्ट में पड़ी रहेगी, आप उसको कभी भी चाहे तो देख सकते हो, ठीक है। मैम हाँ आया है, बिल्कुल आया है बेटा, बिल्कुल आया है 34 वैकेंसीज का, ठीक है। तो अब आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, दिस इज द गुड न्यूज फॉर सारे एस्पिरेंट के लिए, सारी गुड न्यूज है। तो बेटा आप अच्छे से अपना फॉर्म अप फिल करना स्टार्ट कर लीजिए और इस PYQ को देख करके आई होप कि आपने ये एनालाइज कर दिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे 2020 में जब आपका एग्जाम हुआ था तब, ठीक है। तो बच्चा ये है आपका UK SSSA का बैच AA का, जिसमें आप इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे बहुत सारे एग्रीकल्चर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं बेटा, आप एक काम कर सकते हो, आपको जाना है एग्रीकल्चर के महापैक पर, एग्रीकल्चर के महापैक पर आप जा करके इनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसकी क्लासेस बायलिंगुअल रहेंगी, इंग्लिश और कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है अरुण कुमार। तो बेसिकली बेटा इसमें आपकी 500 आवर्स की लाइव क्लासेस होती हैं ये महापैक में, और इसमें आपको जो एग्जाम्स मिलते हैं बेटा, इसमें आपको IBPS SO मिलेगा, IFCO AGT, Punjab ADO, MSC एंट्रेंस की क्लासेस मिलेंगी, IBPS AFO में मिलेंगी, IBPS AFO की क्लासेस, FCI की मिलेंगी बेटा, FSSAI की मिलेंगी, FSO या इसके अलावा आपकी बाकी सारी क्लासेस जो हैं बेसिकली वो आपको इसमें मिल जाएंगी। तो बेटा यू कैन डू वन थिंग, आप बाय नाउ पे जाके Y447 कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो और 7359 में आपको पूरा 1 ईयर के लिए बैच अवेलेबल हो जाएगा। इन केस अगर आप 6 मंथ के लिए कर सकते हो तो 6 मंथ के लिए भी आप बैच में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो सारी बुक पैक कर दिए हैं हम हॉर्टिकल्चर वाले नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है बैड डिसीजन फॉर टेक है हॉर्टिकल्चर, ऐसा नहीं है। देखो ऑप्शंस हर चीज के होते हैं, ठीक है, डोंट वरी, इस चीज का टेंशन मत लो। कभी कभी ये होता है कि हमें अप्लाई करने के लिए जॉब्स थोड़ा सा घर से दूर मिलती है, बाहर मिलती है, तो यू हैव टू रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी ना। देखो मैं भी उत्तराखंड से हूँ एंड आई एम डूइंग जॉब इन गुड़गांव, है ना, तो हमें अपने लिए कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। देखो ये वाली बात है कि आगे बढ़ने वालों के लिए ना कोई ऑब्स्टेकल नहीं है और जिनको बाहर जाना नहीं है उनके लिए ऑप्शंस नहीं है, तो दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। अगर आप देखो व्हेन नो वन इज रेडी टू गिव यू अपॉर्चुनिटी ना, सो मेक द अपॉर्चुनिटी, ये हमेशा याद रखो। अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा तो आप खुद से अपॉर्चुनिटी बनाओ। आपका फ्यूचर अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही तो अपना किस्मत खुद बनाओ, ये चीज हमेशा रखो, ठीक है। अगर किस्मत के भरोसे रहोगे कि यहीं पर मुझे मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। और देखो बेटा आपके करने ना करने से चीजें रुक नहीं जाएंगी, अगर आप नहीं भी करोगे लोग तब भी आगे बढ़ते रहेंगे, आप करोगे तो आगे सबसे कदम मिला के चलोगे, ये चीज हमेशा ध्यान रखो। अगर ये सोचोगे कि उत्तराखंड में ही जॉब मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो
यार हर टाइम पे हर चीज पॉसिबल नहीं होती है, बट ये भी तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ बहुत अच्छा हो जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हो। तो अपनी सोच को वास्ट रखो, आगे करो, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे फॉरेन जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तब भी आपका घर संभाला जाएगा, तब भी आपका घर संभाला जाएगा, जब आप वहां पर रहोगे तब भी, और जब नहीं है तब भी, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन चीजें वैसी ही चलती रहती हैं। तो टेक हार्ड डिसीजन फॉर योर सेल्फ एंड मेक योर लाइफ बेस्ट, ओके। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।